बिहार पुलिस को मिल गई है बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि पूरे देश में नाम कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर बिहार के पूर्णिया अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर, नेपाल के जोगबनी बॉर्डर पे वह अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि राजस्थान के मोस्ट वांटेड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को अररिया जिले के जोगबनी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शूटर की पहचान कृष्ण कुमार उर्फ जयप्रकाश के रूप में हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर शहर के जी ग्रुप के एक होटल में 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों द्वारा फायरिंग में शामिल एक कुख्यात कृष्ण कुमार उर्फ जयप्रकाश उर्फ जेपी को जोगबनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेपाल बॉर्डर जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जोगबनी थाना द्वारा एक युवक को पकड़ा गया। उस युवक से पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम जयप्रकाश बताया, जो कृष्ण कुमार के नाम से फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए पर पहचान छुपाकर रह रहा था। पकड़ा गया युवक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है, जो 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में जी ग्रुप के होटल में 1 करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में शामिल था और उसके उपरांत उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे सुधार गृह भेजा गया था, जहां से वो खिड़की तोड़कर फरार था। इसी क्रम में वो नेपाल में छिपकर विराटनगर में रह रहा था और एक दुकानदार की शिकायत पर हम लोग ने जांच किया। जांच के क्रम में युवक पकड़ा गया और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये लॉरेंस ग्रुप का मेंबर है। इसकी जो सूचना है हमने राजस्थान पुलिस को दे दी है और बिहार एसटीएफ की जो टीम है वो भी इससे पूछताछ कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जेपी कई माह पूर्व नाम बदलकर भारतीय सीमा से सटे नेपाल के विराटनगर में रह रहा था। दरअसल जोगबनी पुलिस एक दुकानदार के अकाउंट फ्री होने की शिकायत पर एटीएम फ्रॉड मामले में जोगबनी रेलवे स्टेशन स्थित एटीएम बूथ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि राजस्थान के बिश्नोई ग्रुप का शूटर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान का एक बड़ा आपराधिक संगठन है। इस गिरोह के खिलाफ राजस्थान के कई शहरों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि इस गैंग के सदस्य जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में रहने वाले सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बरार के इशारे पर काम करते थे। यह बेहद कुख्यात गैंग है और इसकी तार यानी सूत्र कई दूर दूर तक नामी गिरामी कुख्यात अपराधियों से जुड़ा हुआ है और कई बड़े कांड में ये शामिल हुए हैं। बहरहाल आपको बता दें, एसपी अमित रंजन ने बताया कि भारत नेपाल सीमा स्थित जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जोगबनी पुलिस ने एक युवक को पकड़ाया। युवक से पूछताछ करने पर वो अपना नाम जयप्रकाश बताया है, बीकानेर राजस्थान का बताया जा रहा है। यह युवक कृष्ण कुमार के नाम से फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए पर वास्तविक पहचान छुपाकर रह रहा था। पकड़ा गया युवक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है। वर्ष 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में जी ग्रुप के एक होटल में 1 करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सूत्रों द्वारा की गई गोली की घटना में शामिल रहा है। बहरहाल इस घटना के बाद गिरफ्तारी हुई थी और इसे बीकानेर के बाल सुधार गृह में भी रखा गया था। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि बाल सुधार गृह में रहने के दौरान वह खिड़की का रॉड तोड़कर भाग गया। अपना पहचान छुपाकर विराटनगर में किराए पर रह रहा था। एसपी अमित रंजन ने कहा कि विराटनगर में रहकर भी जयप्रकाश अपने ग्रुप के लोगों से इंटरनेट वीपीएन के माध्यम से संपर्क में बना हुआ था। गिरोह के लीडर इसे विभिन्न ऐप्स के माध्यम से पैसा भेजा करते थे। आपको बता दें, जयप्रकाश पैसा निकालने जोगबनी आया करता था और इसी दौरान एक दुकानदार के अकाउंट फ्रीज होने की शिकायत पर जोगबनी थाना पुलिस ने जयप्रकाश को दोबारा पैसा निकालने के दौरान पकड़ लिया। आपको बता दें कि 1.5 वर्ष पहले बिश्नोई गैंग में यह शामिल हुआ था। जयप्रकाश की इतिहास में बता रहा है कि वह 1.5 वर्ष पूर्व बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का वह विश्वसनीय बना। राजस्थान का एक बड़ा आपराधिक ग्रुप है और इस ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ राजस्थान में कई मामले दर्ज भी हैं। गिरफ्तार जेपी से पूछताछ में अररिया पुलिस गहन पूछताछ कर रही है और राजस्थान के लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात शूटर के रूप में उनकी पहचान मुकम्मल हुई है। बहरहाल विराटनगर में छिपकर वह रहता था। उन्होंने बताया कि आखिरकार उनके पिता जयप्रकाश, पिता शांताराम राजस्थान के बीकानेर के जवाहर सर्किल थाना का निवासी है। जयप्रकाश राजस्थान के बीकानेर में एक होटल से जुड़े फिरौती मामले में मोस्ट वांटेड रहा है। आपको बता दें, एसपी ने कहा कि इस मामले की सूचना राजस्थान पुलिस को दे दी गई है और इस पर उचित कार्रवाई
जारी है। अब देखना होगा कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई के इस शूटर की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़े। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826 22 7802।